हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमर सिंह। आप सबको स्वागत है मेरे इस छोटे से चैनल में। दोस्तों, आपको पता होगा कि जंगल से हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे वह मेडिसिन हुआ, खाने पीने का चीज़, फल मूल, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाता है। मगर क्या आपको पता है कि जंगल से हमें चाय भी मिलता है? जी दोस्तों, मैं आज आपको वही चीज़ दिखाऊँगा कि जंगल में चाय भी मिलता है, और वो चाय को मैं लाऊँगा, फिर घर में बनाऊँगा, फिर पियेंगे और आपको दिखाएँगे। इस चाय के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। ये जो चाय है वो काफ़ी हेल्दी होता है पीने के लिए, और ख़ास करके जिनको गैस का प्रॉब्लम होता है, अगर वो लोग डेली पीते हैं इस चाय को तो उनको गैस का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, ये है चाय का पेड़। इसका पूरा चामड़ी सब को निकाल के ले गया है आदमी सब, पूरा नीचे से ऊपर तक। तो मुझे अभी ऊपर जाना पड़ेगा कि ऊपर ही थोड़ा है। दोस्तों, मुझे काफ़ी चाय मिल गया है, तो मैं अभी इसे लेके घर जा रहा हूँ, और अभी एक जन को देना भी है, ये रहा। फिर हम जाएंगे, फिर शाम को, आज तो होगा कि नहीं, कल बनेगा नहीं तो चाय। दोस्तों, मैंने चाय को सुखा दिया है धूप में, और वो शायद आज नहीं होगा, दो दिन आज भी और कल भी सुखाना पड़ेगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ नदी नहाने के लिए, हम जहाँ नहाते हैं डेली। गाइज, मैं ज़्यादातर यहीं पे नहाता हूँ, अभी मैं उस पर जाऊँगा, उधर मछली पकड़ रहे हैं। लोग यहाँ का पानी पीते हैं। देखा मैच, देखा वीडियो कर छुवांगा लिखा के भी धरो छु। मौसारी कहीं पे नीचे जाल लगा हुआ है, देखते हैं है कि नहीं। कहीं मौसारी वो देखो, आगे है जाल, शायद होंगे कि नहीं मछली, पता नहीं। देख देख, अरे एक भी नहीं, एक थू, एक भी नहीं है। वीडियो करो साथ में। तो तो गुटे नहीं। एक थोड़े। बॉडी देखा दे, देख इधर किशन कर।
बबलु मोटा सफा कर दे तो दोस्तों फाइनली हमारे चाय जो है वो बन गया है, मतलब सूख गया है पूरा। अभी उसको बनाना है, हम उसको धोएंगे फिर बनाएंगे। तो दोस्तों मैं एक्चुअली क्या हुआ ना, उसका पत्ते को मैं आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि उसका पत्ते ही नहीं थे। वो किसी दिन उगेंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। इस चाय को हम थोड़ा धो लेंगे अच्छा से। देखो ये चाय कलर हो गया रेड। अभी हम इसको पानी में डाल देंगे, अब धीरे धीरे रेड होने लगेगा। यहाँ आप चीनी, अदरक, गोल मिर्च अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हम यहाँ सिर्फ चीनी मिलाए हैं और अभी इसका कलर देखो ब्लैक दिख रहा है। ये हो गया है, अभी इसको हम अभी पियेंगे, फिर उसको जो होगा उसको निकाल देंगे, फिर उसको कल फिर से उबालेंगे उसी को। गाइज ये जो चाय है उसे गांव में जो बूढ़े लोग होते हैं वही लोग ज़्यादातर पीते हैं तो, और इसका जो टेस्ट है वो ना तीखा होता है ना कड़वा होता है, बस हल्का सा सिल्की टाइप का रहता है, बहुत ही नॉर्मल सा टेस्ट रहता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपको इसी तरह के वीडियो मिलता रहेगा।